खंडवा शहर में बुधवार रात को करवा चौथ का पर्व पारंपरिक धार्मिक आस्था और उल्लास से मनाया गया। शहर में सुहागिन महिलाओं ने निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रमा की पूजा कर अर्घ देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पारंपरिक रूप से नए परिधान पहनकर सजती हैं। सुबह से लेकर चंद्रमा निकलने और पूजा किए जाने तक महिलाएं अखंड सुहाग की कामना से निराहार रहकर इस व्रत को करती है। खंडवा शहर के राज रेसिडेंट होटल में सामूहिक करवा चौथ का पूजन किया गया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया। महिलाओं ने ग्लव और मास्क का भी उपयोग किया। सुभाष नगर में भी सामूहिक रूप से सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का पूजन किया। कथा सुनकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सुहागिन महिलाओं ने व्रत का उद्यापन किया। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। आज तेजस्वी सुभाष नगर महिला मंडल की तरफ से शिव मंदिर के ऊपर सामूहिक पूजा का करवा चौथ की पूजा का आयोजन किया गया है। आज महिलाएं हमारी सभी सुबह से जो बहनें थी सभी ने निर्जल व्रत किया है और शाम को 7 बजे से हमारी पूजा शुरू हुई है, जिसमें गणपति जी और पार्वती जी और चौथ माता की पूजा करते हैं और उन्हें लड्डू का मोदक का भोग लगाते हैं और उसके बाद महिलाएं कहानी सुनती हैं, पोथी सुनती हैं और फिर आरती करके चंद्रमा देवता को अर्घ देती हैं। उसके बाद पति के द्वारा पानी पी के अपने व्रत को छोड़ती हैं और प्रसादी ग्रहण करती हैं। महिलाओं का ये बहुत मान्यता वाला व्रत है और इसका साल भर महिलाओं को इंतजार रहता है, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और अपने पूरे परिवार की अखंड अपने आयु और सभी चीज़ के लिए सुख समृद्धि के लिए महिलाएं इसको व्रत को करती हैं। तो हमारी बहनों ने आज ये व्रत किया है और मंदिर पे इसका पूरा आयोजन किया, पूरा तेजस्वी ग्रुप यहाँ पर उपस्थित था जिसमें हमारी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं और सभी ने मिलजुल के धूमधाम से इस व्रत का आज आयोजन किया है। और जय श्री कृष्ण। सुबह से महिलाओं को बेसब्री से पूजा पाठ का इंतजार था और साल भर इस व्रत का इंतजार रहता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो आज सारी महिलाएं खूब अच्छे से श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं और अपने पति द्वारा पानी पी के ही व्रत को छोड़ेंगी और भगवान को आज पूजा पाठ करके अखंड सौभाग्यवती होने का व्रत वरदान प्राप्त करेंगी। और आज के दिन महिलाएं जितने मतलब पति के लिए जितना मतलब जो पति पत्नी का अनूठा संबंध को देखा जाता है उसकी एक मिसाल देखने को मिलती है। पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं, उस दिन इतना दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित रहते हैं, अच्छे से मतलब पूजा पाठ को करते हैं, दोनों मिलके उपवास करते हैं और व्रत को छोड़ते हैं। तो आज हमारी महिला तेजस्वी महिला ग्रुप की बहनों ने आज यहाँ पर समूह का पूजा का आयोजन किया है। सभी बहनें यहाँ सम्मिलित हैं। जय जोहार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।